हेलो फ्रेंड्स, मुंबई में चैनल दिस इज सुभाषी। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से स्टॉक्स आप ट्रेड कर सकते हो, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। लास्ट जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया था, मार्केट जब पॉजिटिव रहता है, अगर बड़ा गैप अप खुला उसके बाद अगर कंटिन्यूस मूव होता है और 15 मिनट चार्ट में नेगेटिव बनता है और फॉलो थ्रू बनता है, इसका मतलब उसका लो क्रॉस होता है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड बन सकता है, एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। जितने लोगों वीडियो देखे नहीं है, वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा या फिर आपको डिस्प्ले हो जाएगा, उसको क्लिक करके आप देख सकते हो। अभी अगर हम लोग कंटिन्यूसली देखेंगे, बैंक निफ्टी बहुत बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन क्या अभी ये और नीचे आ सकता है या फिर ऊपर जा सकता है? स्टिल अटैच द पोटेंशियल, ये ऊपर जा सकता है, लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखो, क्लोजिंग प्राइस के आसपास ये कंटिन्यूसली हॉल्ट किया है। इसका मतलब 35,550 से लेकर 750 एक इंपॉर्टेंट रेंज है। ये 200 पॉइंट का रेंज मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो ये 200 पॉइंट का रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर कल ये गलती से 35,550 के नीचे अगर ये कहीं पे बनता है, इसके नीचे अगर आना शुरू कर देता है, तो आपको 35,200 का भी लेवल इंट्राडे के अंदर देखने मिल सकता है, अगर ये 35,550 नीचे की तरफ क्रॉस होता है। लेकिन इसके ऊपर अगर ये कहीं पे भी ओपन हो, 35,600 या 700 कहीं पे भी ओपन हो, तो ये थोड़ा बुलिश हो सकता है। ये यहाँ पे अप टू स्पेस है इसके पास 36,400 या फिर 36,200। इसका मतलब आपको एक अच्छा ट्रेड तब मिलेगा जब मार्केट ये रेंज क्रॉस करेगा। ये ध्यान में रखिए, 35,550 के नीचे अगर आता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये मार्केट को 300 से 400 पॉइंट ये फॉल हो जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे हॉल्ट करता है तो गलती से सेल मत कर दो, क्योंकि डेली चार्ट में अगर हम लोग डेली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर टाइप बनाया होगा। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे हम लोग इसको सेल करेंगे, लेकिन इसको फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, अगर ये फॉलो थ्रू करता है तो ही आप सेल करना। तो इसलिए मैंने आपको बताया 35,550 के नीचे ही सेल करना। हो सकता है ये डेली कैंडल में फिर से ये ऊपर की तरफ चला जाए और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दे, ये बहुत टाइम होता है, तो ध्यान में रखना कल बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। अभी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी देखेंगे थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल निफ्टी था, यहां से ओपन हुआ होने के बाद कंटिन्यू स्विंग बनाते रहा, लास्ट यहां पे क्लोजिंग प्राइस है। अगर आप देखोगे यहां पे ट्रेंड लाइन है, यहां पे सपोर्ट है 14,950 के ऊपर अगर ये निकलता है फ्लैट खुल के, फ्लैट ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखो, बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल गया तो उसको फ्लैट नहीं कहा जाता, 10-15 पॉइंट या 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे खुला तो इट्स फाइन। अगर ये फ्लैट खुल के 14,950 क्रॉस करता है तो एक ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है, तो आने वाले टाइम में आपको 15,000 का लेवल भी इंट्राडे के अंदर देखने मिल सकता है। लेकिन ये 14,900 अगर पहले ही आप में 15 मिनट के अंदर अगर ये क्लोजिंग दे देता है, इसके नीचे क्लोजिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बस सिर्फ स्पाइक लगा दिया फिर चला गया नहीं होता, जैसे लास्ट टाइम हम लोग का बैंक निफ्टी हुआ था। अगर यहाँ पे ये नीचे क्लोज दे देता है फिर आपको एक नीचे की तरफ ट्रेंड देखने मिल सकता है, तो इंपॉर्टेंट ये है मार्केट फ्लैट खुल के 14,950 अगर ये क्रॉस करता है तो आपको एक इजी हो जाएगा ट्रेड करने के लिए। अभी हम लोग स्टॉक देख लेते हैं, कौन से स्टॉक्स कल आप ट्रेड कर सकते हो और कौन से लेवल पे। पहला स्टॉक है HDFC लाइफ, यहाँ पे अगर देखेंगे कंटिन्यूसली सेलिंग का प्रेशर था, ऊपर गया, इसका मतलब डाउन ट्रेंड था, यहाँ से ही ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन सिंगल शॉट में ये क्रॉस नहीं करता, ये वी टाइप रिकवरी नहीं होता, ये डब्ल्यू पैटर्न बना के रिकवरी करता है। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर देखेंगे ये नीचे आया, आने के बाद यहाँ पे हॉल्ट किया, ये जो लो था इसने क्रॉस नहीं किया, फिर यहाँ से एक मोमेंटम करने का कोशिश कर रहा है, 683 के ऊपर एक मोमेंटम हो सकता है जिसके ऊपर हम लोग बाय कर सकते हैं। स्टिल कौन सा एग्जैक्ट लेवल पे कल आपको ट्रेड करना है, कल मैं आपको टेलीग्राम चैनल बता दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पे अगर ये 683 क्रॉस होता है तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड एस्टैब्लिश हो सकता है, एक अच्छा पॉइंट पे हमको एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है, इसको कल आप लोग चेक कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी, अगर देखेंगे सिमिलर स्टोरी, यहाँ पे भी कंटिन्यूसली यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर था, ऊपर गया, फिर एक इनसाइड कैंडल बनाया यहाँ पे, इसका मतलब ये हॉल्ट किया है, अभी ये ब्रेकअप हो चुका है और जो क्लोजिंग है वो 4,800 के ऊपर है। अगर ये कल 4,810 रुपीज क्रॉस करता है इंट्राडे के अंदर, एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है, नेक्स्ट टारगेट 14,900 भी इंट्राडे के अंदर हो सकता है। लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखो, अगर ये गैप डाउन खुल जाता है तो हम लोग को टच नहीं करना है, और ये लेवल अगर क्रॉस करता है 4,810 अगर फ्लैट खुल के, तो एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है, इसको भी कल हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है जील, यहां पे न्यूज के कारण ये कंटिन्यूसली फॉल हुआ है, यहां पे एक सपोर्ट है, कंटिन्यूसली सेम लेवल पे ट्रेड किया, ऊपर गया, लेकिन कल अगर ये क्रॉस होता है, कभी भी ये मत सोचो कि नहीं इतना नीचे स्टॉक गिरने के बाद और कितना नीचे गिरेगा। अगर यहां पे बैड न्यूज है,
कोई अगर सेंटिमेंट नेगेटिव है तो ये और तेजी से नीचे आ सकता है, तो हम लोग को फॉलो करना चाहिए। अगर ये 213 के नीचे अगर निकलता है, यहाँ पे खुला समय और लेट से 215 या 2167 के आसपास खुला, फिर ये कंटिन्यू नीचे आ रहा है, तो हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। एक अच्छा सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे बन सकता है, कल हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं सेलिंग के साइड। नेक्स्ट स्टॉक है बंधन बैंक। अगर देखेंगे यहां से कंटिन्यूसली सेलिंग का प्रेशर था, यहां से ऊपर जाने का तो कोशिश कर रहा है, जहां से ये सेलिंग का प्रेशर था इसका मतलब जहां पे ये रेजिस्टेंस था उसी लेवल पे ये नेगेटिव कैंडल बना चुका है। नेक्स्ट सपोर्ट इसके लिए लॉजिकल जो गैप क्रिएट किया था वहां पे रहेगा, और उसके बाद 310 के आसपास इसके पास सपोर्ट है। तो कल अगर ये 327 के नीचे निकलता है तो आपका टारगेट हो जाएगा 320-315, लेकिन इंट्राडे के अंदर अगर 320 भी आ गया तो भी एक अच्छा टारगेट हो सकता है, इसको कल हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करो फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।